हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीए ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फॉर अराउंड 803। तो इस वीडियो में प्रॉब्लम सी और प्रॉब्लम डी डिस्कस करेंगे, राइट। तो प्रॉब्लम सी सॉरी तो एक उससे पहले अनाउंसमेंट है, जो कि अगर आपने प्रॉब्लम ए बी, जो कि मैं होप कर रहा हूँ कि आप पे आपको देखना ना पड़ा, और अगर आपने देखा भी हो तो उधर एक अनाउंसमेंट था। तो आप मेरा लाइक लिंक्डइन पोस्ट चेक करें, रिसेंट जो सबसे रिसेंट होगा उसमें कुछ रेफरल रिलेटेड चीज़ें लाइक सैम्स सॉरी सो उधर रेफरल आपको मिल सकता है। तो मेरे थ्रू ही रेफरल मिलेगा, तो आप जाके चेक करें उधर। सो अब बिना टाइम वेस्ट किया आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। सो ये रहा हमारा प्रॉब्लम सी, थ्री सम क्लोजर, राइट। सो यू आर गिवेन एरे ऑफ लेंथ एन, द एरे इज कॉल्ड थ्री सम क्लोज इफ फॉर ऑल डिस्टिंक्ट आई जे के द सम ए आई प्लस ए जे प्लस ए के एन एलिमेंट ऑफ द एरे, मोर फॉर्मली ए इज थ्री सम क्लोज। सो बेसिकली ये कहानी दे रखी है, आपको पढ़ना है, राइट। मैं बता देता हूँ क्या दे रखा है इन्होंने। सो एक एरे दे रखा है और आप कोई भी थ्री एलिमेंट चूज कर सकते हैं, आई जे लेट्स से के, और इनका सम लेते हैं, एलिमेंट्स का सम लेते हैं यहाँ पे ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। तो ये इसी एरे में, सेम एरे में लाई करने चाहिए। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा? ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में अपन दिमाग नहीं लगाते यार, जो दे रखा है वही करना है। सो क्या करते हैं, तीन लूप लेंगे, थ्री लूप्स ब्रूट फोर्स आई जे के जो दे रखा है उन्होंने, राइट। एरे में चेक कर लेंगे ऐसा एलिमेंट पाया जा रहा है या नहीं, सेट का यूज़ करके। तो आपने ये तो सोच ही लिया होगा, ये मैं काफ़ी जी था, ब्रूट फोर्स तो कोई भी कर सकता है। तो बट ब्रूट फोर्स कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई भी नहीं कर सकता, ईजी था इसका ब्रूट फोर्स कहने का मतलब, डोंट इंटरप्रेट मी रॉन्ग। सो अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, एन अप टू टू इंटू टेन टू द पावर फाइव, क्या हम एन क्यूब, जो कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था, एन क्यूब यूज कर सकते हैं? नो। एन स्क्वायर? नो। एन लॉग एन? वी कैन यूज ऑर्डर एन, वी कैन यूज, बट हमारा अगर एन लॉग एन सॉल्यूशन पास होता है तो एन भी पास हो ही जाएगा, राइट। सो एक ऑब्जर्वेशन ये वन क्या है, लेट से मैंने आई इसे चूज किया था, जे इसे चूज किया था, के इसे चूज किया था। अगर मैं इसे सॉर्ट कर देता हूँ, लेट से के हमारा इधर आ जाता है, जे जे ही रहता है, आई इधर आ जाता है, राइट। अगर मैं सॉर्ट कर देता हूँ तो ऑर्डर यहाँ पे डज नॉट मैटर होगी, क्योंकि आई जे के हमें करवाना है। तो अगर मैं सॉर्ट भी कर देता हूँ तो कोई से भी तीन एलिमेंट हमें चुनने हैं, इसका कहने का मतलब ये है। तो बट इस ऑब्जर्वेशन का यूज़ कुछ नहीं होना है, नॉट यूज। अब अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशन जो कि यूज होने वाली है, राइट। ऑब्जर्वेशन वन, लेट से अगर हमारा एलिमेंट सॉर्टेड रहता, हमें सॉर्ट नहीं करना, सॉर्टेड रहता, लास्ट का एलिमेंट लेट से मैं लेता हूँ 8 6 5, तो इन क्योंकि हमें तीन एलिमेंट लेना है इसलिए मैं तीन शो कर रहा हूँ। तो सम क्या हो जाएगा, 19। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो वैल्यू है एरे की उसे ओवरशूट कर देगा, राइट। तो अगर ये 8 और 6 है तो यहाँ एरे में रहने के लिए इस दो एलिमेंट की सम कितनी होगी, 14 होगी, बट मैक्स एलिमेंट 8 है, तो राइट आप सही समझ रहे हैं, यहाँ नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, राइट। तो और कितना रहना चाहिए, -6 हो सकता है, राइट, -8 हो सकता है, राइट। सो ऑब्जर्वेशन वन, तीन पॉजिटिव एलिमेंट नहीं हो सकते, सिमिलर तीन नेगेटिव एलिमेंट नहीं हो सकते, तीन अगर पॉजिटिव होते हैं, लेट्स से 2 3 5, राइट, तो इनका सम क्या हो जाएगा,
10, तो 10 भी रहना चाहिए। फिर मैं कोई सा तीन एलिमेंट लूँ, 5, 3, 8, 10, 20, 20 भी रहना चाहिए, तो ये इंक्रीजिंग इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका साइज इनफाइनाइट होना चाहिए, राइट। सिमिलर फॉर नेगेटिव, अगर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर -1, -2, -3 लूँ तो इनका सब -6, फिर -6, -3, -2 लूँ तो -11, तो ऐसे बढ़ते जाएगा साइज़। फाइनली कहीं जाके हमें, क्योंकि ये इनफाइनाइट तो है नहीं, तो कहीं जाके ये नेगेटिव अगर 3 से ज़्यादा रहे तो ये इसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम हर बार उससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। दूसरा ऑब्जर्वेशन, 10 to the power 5 नंबर ऑफ जीरोज की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोज, 10 to the power 5 रहे या 5 रहे, कोई डिफरेंस पड़ेगा क्या? अगर मैं तीन, क्योंकि मुझे तीन एलिमेंट को ऐड करना है, तो 3 0 रहे, 3 से कम मैं कंसिडर नहीं करूँगा, एटलीस्ट 3 रहे, यानी कि 0 0 का सा मुझे 0 दे दे, तो मैं लाइक 3 कंसिडर कर रहा हूँ। सो थोड़ा एरे को, क्योंकि यहाँ एन 10, 2 × 10 to the power 5 है, तो 10 to the power 5 0 है, आप 5 0 भी ले सकते हैं, तो जो इसमें अगर गिवन नंबर ऑफ जीरो या 5 या 3 आप अपने हिसाब से ले लें, 3 से छोटा ना करें, क्योंकि हमें 3 को ऐड लेना है। ढेर सारे जीरो, तो क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा, नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 3 ले ले, 5 ले ले, 10 ले ले, आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति। हमारा टोटल एरे का साइज क्या हो जाएगा, 2 to 4, 4 + 5 यानी कि राउंड 10, अगर मैं 5 लेता हूँ तो 10, 3 भी ले सकते हैं तो 7। अब इस एरे में हम ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं कि यस, अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रहा तो आंसर नो होगा, नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहा तो नो होगा, और 0 कितने भी हो सकते हैं, बट हम उस एरे में कॉम्पैक्ट अगर करेंगे तो, या तो गिवन टोटल नंबर ऑफ जीरो जितने, बट हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है, तो या तो 3 ले ले, अगर 3 से ज़्यादा है तो, 3 से कम है तो उतने नंबर ले और ब्रूट फोर्स लगा ले। ब्रूट फोर्स क्या था, और एन क्यूब था, इससे सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम ऑब्जर्वेशन, कुछ और ऑब्जर्वेशन डिस्कस करें, तो अगर हमारे पास 0 रहता तो क्या मैं 2 पॉजिटिव एलिमेंट ले सकता हूँ, 0 2 4, तो इस केस में हमें 6 भी क्रिएट करना होगा, फिर मैं ऐसे ऐड करता जाऊँगा। तो अगर हमारे पास 0 है, राइट, तो 2 पॉजिटिव नहीं हो सकते, 2 नेगेटिव नहीं भी नहीं हो सकते, मैं पॉजिटिव डिस्कस कर रहा हूँ, नेगेटिव ऐसा ही है, राइट। अगर हमारे पास 0 है, ये सारे 0s हैं, तो एक पॉजिटिव हो सकता है 5, राइट, या एक नेगेटिव हो सकता है -5, या इस साइड अगर 5 है और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सक होगा, तब क्या हो सकता है, यहाँ -5 रहना चाहिए, तभी हमारा सम 0 होगा, राइट, नहीं तो अलग एलिमेंट आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास 0 है, तो या तो ऑल 0 हो सकते हैं, या एक नॉन 0 हो सकता है, ये एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन है, इसके बिना भी सॉल्व होगा। एक नॉन जीरो यानी कि एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, या एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, सम 0 होने चाहिए, राइट। तो मैंने ये वाला ऑब्जर्वेशन किया था, इससे मैंने सॉल्यूशन सबमिट किया, तो आपको मैं कोड शो करता हूँ। कोड देखते हैं, जैसा सारे ऑब्जर्वेशन मैंने डिस्कस किए वो है, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 मैंने ले लिया, 3 वेक्टर ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव 0 है वो डाल दिया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 0 का केस बताया था कि आप 3 से ज़्यादा कंसीडर ना करें या 5 से ज़्यादा ना करें, इसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं, इसके बाद आप एक कंडीशन लगा सकते थे, इफ 0.साइज ग्रेटर देन 3, 0.पॉपबैक, राइट। उसके बाद आपके पास 3 वेक्टर थे, इन तीनों को मर्ज कर देना था, एक नए वेक्टर में मर्ज कर दें और ब्रूट फोर्स लगा सकते थे, यहाँ से सिंपल रहता। तो नेगेटिव का साइज जो केसेस थे, सिंपल केस, नेगेटिव का साइज पॉजिटिव का साइज 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट। अब
इसके बाद से आप वो ब्रूट फोर्स वाले सॉल्यूशन लगाएं या एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन पे आए। तो मैंने जो डिस्कस किया था एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन, वो मैं बताता हूँ। आप इसके बिना भी कोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये ऑल जीरोज के केस है, ऑल जीरोज, इसमें वन निगेटिव, इसमें वन पॉजिटिव, इसमें वन पॉजिटिव, वन निगेटिव, अदर केस में नो होगा, राइट। बट अगर जीरो नहीं है तो हमें फिर वही ब्रूट फोर्स लगाना है। तो आप उतना ज़्यादा केसेस लिखने से अच्छा डायरेक्ट ब्रूट फोर्स लगा ले, जैसा मैंने बाद में बताया उससे। तो होप करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ आ गया हो। सॉल्यूशन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और हम डिस्कस करेंगे अब प्रॉब्लम डी, राइट। प्रॉब्लम डी पे आते हैं। प्रॉब्लम डी इंटरेक्टिव क्वेश्चन था, और आपको दिखाता हूँ मैं जो मैं बातें कर रहा था। ये मेरे सॉल्यूशन में आइडलनेस लिमिट एक्सीड ऑन टेस्ट वन आ रहा है, बट मैंने लॉजिक सही लिखा है, तो मैं लॉजिक डिस्कस करता हूँ, बाकी बात बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। आपको बताना है, आप डिस्कस करेंगे, आप मुझे हेल्प करेंगे, राइट। सो पहले मैं बता दूं, प्रीरिक्विजिट बाय रिसर्च ये आपको आती रहनी चाहिए। कितनी आती रहनी चाहिए? बाइनरी सर्च पूरा आती रहनी चाहिए? नहीं, सिंपल बाइनरी सर्च कैसे करते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। बाइनरी सर्च कैसे करते हैं, होता क्या है बाइनरी सर्च, मैं एक बार हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ। लाइक मुझे लेट से ये एरे सॉर्टेड है, लेट से 1 2 3 4 5 6 ऐसा है कुछ, तो मुझे फाइंड करना है 2 किधर होगा, राइट। तो मैं एक यहाँ लेफ्ट लेता हूँ, यहाँ राइट लेता हूँ, यहाँ मेरा कुछ मिड आएगा, और मैं चेक करूँगा क्योंकि ये 4 है तो हमारा आंसर लेफ्ट साइड लाई करेगा। तो मैं इस सारे एलिमेंट को डिस्कार्ड कर दूँगा और राइट को अपने इधर मूव कर दूँगा, राइट। ये सिंपल सा केस है, ये यूज करने वाला है। ऐसा क्यों यूज करने वाला है, इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। एक तो ये इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है, इंटरेक्टिव गारंटी करता है क्या बाइनरी सर्च ही लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आजकल हाल फिलहाल में बाइनरी सर्च भी आ रहे हैं। दूसरा सबसे ज़बरदस्त हिंट है 15 क्वेरीज, 2 to the power 15। सो अगर 2 to the power 10 देखें तो 1024 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 क्यूब, और 2 to the power 15 यानी कि 3 into 10 to the power 4 आता है अप्रॉक्सीमेटली। इसमें अगर मल्टीप्लाई करते इससे थोड़ा बड़ा आएगा, राइट। तो ये ऑर्डर 10 to the power 4 का दे रहा है, इसलिए हम बाय रिसर्च लगाएंगे, राइट। और कुछ लगा ही नहीं सकते, ये हमारे पास आ गया। बट बाय रिसर्च में भी कैसे लगाएंगे ये बहुत ही अच्छा है। सो इसके लिए हमें क्वेश्चन पे आते हैं, लाइक इन्होंने क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया है। सो एक बार देखते हैं, ये तो मैंने इससे देखे, मैंने बताया कि बाय रिसर्च हम यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन पे भी डिस्कस करते हैं क्योंकि क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना क्वेश्चन के सिर्फ कंस्ट्रेंट से ना आप देखें। वो मैंने क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन पढ़ लिया, इसलिए किया तो नहीं है एक्चुअली, मेरा सॉल्यूशन सबमिट लाइक एसी नहीं है। सो एक कोई एरे गिवन है, एरे, और ये परमुटेशन होने वाला है। एरे इनिशियली 1 to n है, राइट। तो हमारा इनिशियल एरे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट्स से 8 एलिमेंट का है, राइट। अगर 5 एलिमेंट का देखें तो 1 2 3 4 5 था, इन्होंने दे रखा है ऑड रहने वाला है, राइट। तो इन्होंने जो दे रखा है हमें फॉलो करना होगा, तो ऑड लेंथ दे रखा है इन्होंने, राइट। अब क्या दे रखा है इन्होंने, एन माइनस वन बाई टू डिसजॉइंट पेयर्स लिया, और सिर्फ एक एलिमेंट अपने पोजिशन पर रहने वाला है, बाकी सब एक दूसरे से स्वैप होंगे। तो मैं कोई सा भी एलिमेंट रैंडमली चूज़ करता हूँ, ये एलिमेंट अपने ही पोजिशन पर रहने वाला है, और इन अगर हमारा 9 है तो 4 पेड़ लेने हैं और एक दूसरे से के साथ सारे स्वैप होने चाहिए। तो लेट्स से मैं 1 को 4 के साथ लेता हूँ, सो 4 1, 2 को मैं 9 के साथ लेता हूँ, 9, और यहाँ आ जाएगा अपना 2। फिर 3 को लेता हूँ मैं 5 के साथ, 5 3, और हमारा ये
सॉरी। ओके थ्री, सॉरी सॉरी। सो मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी हो गई थी सो मैं इधर लिख रहा हूँ। लेट्स से हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहने वाला है, राइट। और ये अपने पोजीशन पे, तो यहाँ मैं लिखूँगा राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 6 अपने पोजीशन पे रहने वाला है, राइट। अब मैं स्वैप करता हूँ, कुछ भी स्वैप करता हूँ। लेट्स से मैं 1 को 5 के साथ स्वैप करता हूँ, तो 5 यहाँ गया, 1 यहाँ आ जाएगा, राइट। 2 को मैं 9 के साथ करता हूँ, 9 2। 3 को मैं 4 के साथ ही कर देता हूँ, 4 3। और बचा हमारे पास 8 7, राइट। कोई दो बार स्वैप नहीं होगा, कोई एलिमेंट स्वैपिंग प्रोसेस में दो बार नहीं आएंगे। क्यों क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि फिर ऐसा होगा तो मोर देन वन एलिमेंट इसमें प्रोसेस में आ जाएंगे, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं। लेट से मेरे पास एक एल है और एक, जो कि मैं राइट एंड पॉइंट, इसे मैं मिड से कर रहा हूँ, राइट। इसे आप राइट एंड पॉइंट कंसीडर करें। तो लेते हैं 7, लेट से कुछ 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा कुछ है मेरा। मैं इस एलिमेंट के बीच देख रहा हूँ हिल और मिड। मान लेता हूँ मैं इससे पहले हमारे पास ये पोजीशंस है सारे, इससे पहले भी कुछ एलिमेंट होंगे, इसके बाद भी कुछ एलिमेंट होंगे। मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, केस कंसीडर कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इसमें कोई भी एलिमेंट अपने पोजीशन पे नहीं है। इसमें नो एलिमेंट ऑन ओन पोजीशन। इसमें क्या होगा, दो केस हो सकते हैं। लाइक यहाँ का मैं किसी भी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट इसके बीच कंसीडर करता हूँ, ये वाले एलिमेंट लेट से कंसीडर करता हूँ, तो या तो इस रेंज के बाहर के साथ स्वैप करके आया होगा या इसी रेंज में स्वैप किया होगा। तो अगर ये इसी रेंज में स्वैप किया हो, लेट से इसने 6 के साथ स्वैप किया था, राइट। तो यहाँ 9 मिलेगा हमें, यहाँ 6 मिलेगा। लेट से मैं मानता हूँ 8 और 11 भी स्वैप किए थे आपस में, 11 और यहाँ 8 रहता। तो अगर मैं एल और मिड के बीच के एरे में मांगता हूँ, राइट, और बाकी लोग, ये 10 होगा, तो 10 अगर बाहर से स्वैप किया तो 10 बाहर गया, 12 बाहर से स्वैप किया 12 बाहर गया, 7 बाहर से स्वैप किया 7 बाहर गया। तो अगर मैं एल से मिड मांगता हूँ और ये सॉर्टेड ऑर्डर दे रहे हैं, तो हाँ ये गारंटीड है कि हमारे पास कुछ बाहर के एलिमेंट होंगे जो कि 1 से 8 के रेंज के रहेंगे, रहने वाले हैं, फिर 12 ग्रेटर देन 12 से ज़्यादा के रहने वाले हैं, और ये गारंटीड रहने वाला है कि 6 8 9 और 11 हमारे इस एल और मिड के बीच रहेगा, ये क्योंकि आपस में स्वैप हुए हैं, राइट। तो अगर हम इस रेंज में देखें, एल टू मिड के रेंज में देखें, तो टोटल कितने नंबर एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास, 4 आ रहे हैं, राइट। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये पेयर वाइज स्वैप कर रहे हैं। तो हमेशा अगर एक पेयर वाइज आपस में ही स्वैप किए तो दो ऐड करेगा, दो एलिमेंट इसी रेंज में रह जाएंगे। अगर फिर से क्या रहता है, दो एलिमेंट, तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर एल टू मिड में अगर कोई एलिमेंट ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, तो हमारे पास इवन नंबर मिलेंगे, राइट, इवन नंबर मिलेंगे। बट मान लेते हैं कि ये 10th ओरिजिनल पोजीशन पे ही होता, राइट, तो हमें एडिशनल एक 10 भी मिलता इनके अलावा। ये आपस में स्वैप रहते, जो बाहर से एलिमेंट स्वैप होते और अंदर वाले, तो ये हमें क्या करता, अगर इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये हमें ऑड नंबर देगा, राइट। ऑड नंबर काउंट, ऑड नंबर होगा काउंट ऑफ सच एलिमेंट, काउंट ऑफ एलिमेंट इन रेंज ऑड नंबर रहने वाला है, राइट। तो हमें मिल गया, अगर एल से आर अगर हम सेंड करते हैं और एरे मंगवाते हैं जूरी से, तो एल से आर के बीच में तो एरे एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट
इन इंडेक्स एल टू आर हैविंग वैल्यू इन बिटवीन एल टू आर, ये हमने काउंट कर लिया राइट. ये अगर ऑड है तो मैं गारंटी करूँगा ये एल से आर या एल से मिड आपका है, तो इतना मैं ज्यूरी से मंगवा रहा हूँ. अगर अगर ये ऑड आ रहे हैं तो इसी रेंज में हमारा आंसर लाई करता है. और सो ओरिजिनल पोजीशन एल टू मिड में लाई करेगा, एल्स अगर इवेन आता है तो इसमें नहीं होगा राइट. तो हम दूसरे साइड जाएंगे. तो अब बाइनरी सर्च पे आते हैं जो कि मैंने स्टार्ट में ओवरव्यू दिया था. लेट से हमारा ये एल है, ये आर है, ये मिड है. मैंने एल टू आर का एरे मंगवाया और इससे मैंने गारंटी लिया राइट. या तो अगर ऑड है तो इस साइड आएगा या फिर इस साइड आंसर रहने वाला है राइट. ऐसा गारंटी किया तो इससे मैंने काउंट करके गारंटी कर लिया कि किस साइड रहेगा राइट, आंसर किस साइड है. और अगर आंसर हमारा ऑड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे अपने सर्च स्पेस को छोटा कर देंगे. तो आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू मिड कर देंगे या फिर एल्स हमें गारंटी होगा. अगर एल्स रहता, अगर ऑड नहीं आ रहा था तो हमें सर्च स्पेस दूसरे साइड ले जाना होता. तो एल क्या हो जाता, मैं इधर के इधर को डिस्कार्ड कर दूंगा और एल से आर में सर्च करूंगा राइट. तो एल्स एल इक्वल टू मिड प्लस वन होगा राइट. तो इसका प्री रिक्विजिट मैंने बताया कि बाइनरी सर्च है. तो आप बाइनरी सर्च जरूर पढ़ें इस वीडियो पे आने से पहले. सो अब मैं कोड शो करता हूँ जो कि मेरा रॉन्ग पता नहीं क्यों आ रहा है, आपको बताने हैं क्यों क्यों रॉन्ग दे रहे हैं. सो सो मैंने इनिशियली इन लिया. सो लेट्स से इन हमारा कुछ ऐसे रहने वाला है. तो हमारा इनिशियल सर्च स्पेस क्या हो, वन टू एन सारे सर्च स्पेस में होंगे राइट. अब मैंने वन टू एन पास किया, इसमें मैंने कुछ मिड ली और वन टू मिड पास किया. मैं चेक कर रहा हूँ वन टू सॉरी एल, अगर इसे मैं कंसिडर करूँ, इसे आर कंसिडर करूँ. इनिशियली एल की वैल्यू वन होगी और आर की वैल्यू एन होगी राइट. तो मिड और एल और आर के बीच, ये एल से मिड के बीच देखिए कि आइदर आंसर इस मिड के इस साइड है या इस साइड है. अगर इस साइड है तो मेरा एल राइट साइड मूव करेगा या फिर आर लेफ्ट साइड मूव करेगा राइट. आंसर कैसे चेक करना है किस साइड होगा, तो हमें काउंट करना है. सो हम देखें तो एल से आर हमने एल से मिड मंगाया हमने और उसमें मैंने काउंट चेक किया कि इस रेंज में कितने एलिमेंट है. अगर ये ऑड है राइट, ऑड है, एल से मैंने मिड भेजा तो मुझे पता है इस साइड आंसर नहीं है, इसी साइड आंसर है, तो मैंने आर को मिड के इक्वल कर दूंगा राइट. या फिर एल को क्या कर दूंगा, मुझे पता है कि इस रेंज में नहीं होने वाला है. अगर एल्स वाले कंडीशन में आता हूँ कि ये इवेन आता है तो मुझे पता है इस सर्च स्पेस में नहीं रहने वाला है, तो एल मेरा इस साइड मूव होगा राइट. तो ये सिंपल सा केस था. सो एक एग्जांपल से समझते हैं क्या हो रहा है, सो ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा. सो जैसा इन्होंने जो एरे दिया था 4 2 5 1 3 4 2 5 1 3 4 2 5 1 3, सो 4 2 5 1 3 राइट. तो हमारा एल इक्वल टू वन होगा इनिशियली, आर इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 होगा. तो मिड क्या हो जाएगा, मिड इक्वल टू 3. तो हम क्या भेजेंगे, हमने मांगा 1 2 3, तो ये एलिमेंट देंगे 2 4 5 राइट. और हमें पता है क्योंकि हमें इनिशियल एरे पता है, बट ये पता नहीं रहने वाला है, ये मैंने तो लाइक एग्जांपल कर रहा हूँ इसलिए. तो अपने मैंने ये भेजा 1 2 3 पास करवाया, हमारे पास 2 4 5 है. इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 के रेंज में कितने एलिमेंट है, तो एकमात्र 2 है, तो ये हमारे पास ऑड है, तो हमें गारंटीड हो गया कि इसी साइड रहने वाला है. तो हमने क्या किया, एल को वही रहने देंगे, एल इक्वल टू वन, आर इक्वल टू सर्च स्पेस को हम छोटा कर देंगे जिस साइड है उस साइड, तो आर इक्वल टू 3. तो हमारा मिड क्या हो जाएगा, मिड इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो हम भेजेंगे 1 से 2 भेजेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ, तुम्हारे पास एरे आएगा
फोर, सॉरी टू और फोर, फिर अगेन टू हमारा है तो ये अगेन ऑड देगा, तो हमें क्या करना होगा, ऑड सर्च स्पेस को छोटा करना होगा, राइट। फिर हम वन से वन भेजेंगे, राइट। सो वन से टू, सॉरी आर इक्वल टू थ्री था, मिड इक्वल टू टू, यहाँ वन से टू भेजा तो मिड क्या हो जाए, सॉरी वन से वन टू भेजा तो अब हमारा मिड होगा वन, राइट। और वन से वन जाएगा, जब हमने, सॉरी लास्ट सेकेंड, एक दो सेकेंड आप मिस कीजिए यहाँ तक, सॉरी। तो हमने क्या भेजा था, क्योंकि एल वन था, आर इक्वल टू थ्री था, हमने भेजा वन टू टू। यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा मैं पता नहीं क्या बोल गया था बीच में। तो वन से टू मैंने प्रिंट करवाया, टू फोर ऑड है, तो हमारा क्या होगा, सर्च स्पेस और कम होगा, एल इक्वल टू वन हो जाएगा, आर इक्वल टू टू हो जाएगा, मिड इक्वल टू वन हो जाएगा, राइट। हमारे पास आया फोर, ये रेंज में लाई नहीं कर रहा, ये इवन है क्योंकि ये रेंज में लाई नहीं कर रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू मिड प्लस वन यानी कि टू, आर इक्वल टू टू, और यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूंगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। मान लेते हैं हमारे पास 42513 की जगह 42513 की जगह कोई और एरे सोचते हैं, तो लेट्स, फाइव अपने पोजीशन पे रहने वाला है, वन टू थ्री फोर, राइट। ये रहता तो हमारा एल इक्वल टू वन रहता, आर इक्वल टू फाइव रहता, हमने, हम कहाँ से, मिड क्या हो जाएगा, मिड इक्वल टू थ्री, तो हम क्या भेजेंगे, अरे हमने मंगाया वन टू थ्री, तो हमें एरे मिला टू थ्री फोर। इसमें हमारे रेंज में क्या है, टू और थ्री रेंज में, जो कि इवन नंबर है, राइट। तो हमें पता लग गया कि इसमें लाई नहीं कर रहा, तो अगला स्टेप क्या होगा, हमारा एल इक्वल टू मिड प्लस वन, एल इक्वल टू फोर, आर इक्वल टू फाइव। तो इस केस में क्या होगा, मिड क्या होगा अपने पास, मिड इक्वल टू फोर, तो हम प्रिंट क्या करवाएंगे, फोर टू फोर, तो ये हमारा एलिमेंट वन देगा। तो फोर टू फाइव में ये एलिमेंट लाई कर रहा है क्या, नहीं लाई कर रहा, तो ये इवन नंबर है, राइट। ये इवन है, इसका मतलब हमारा सर्च स्पेस और छोटा करना होगा, और ये एल इक्वल टू मिड प्लस वन करना होगा, एल इक्वल टू फाइव, आर इक्वल टू फाइव, यहाँ पे हमें ब्रेक कट हो जाएगा, राइट। तो ये सॉल्यूशन हमारा रहने वाला है, राइट। तो कोड भी वही सिंपल सा है, कोड मैंने शायद डिस्कस कर दिया, अगर नहीं आपको समझ आया तो फिर से मैं बताता हूँ। मिड मैंने लिया इनिशियली, एल आर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, मिड लिया और एल टू मिड प्रिंट करवाया और काउंट किया इस रेंज में कितने एलिमेंट हैं, सिंपल सा फंडा जो मैंने डिस्कस किया। अगर ये ऑड है तो हमारा एल टू आर में, सॉरी एल टू मिड में लाई करने वाला है आंसर, तो हमने आर को मिड कर दिया, एल्स एल को मिड प्लस वन कर दिया, राइट। तो होप करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया हो, सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ते हैं तो मुझे लगता है ऐसा पर्सनली, या व्यूज़ बढ़ते हैं तो मेरी मेहनत थोड़ा अप्रिसिएटेड की गई है, क्योंकि मैं ऑफिस में भी काम करता हूँ, ऑफिस में अराउंड 8 to 9 आवर वर्क होता है, उसके बाद कॉन्टेंट देना, वीडियो बनाना, और रात के अराउंड 2 1:51 हो रहे हैं। सो फाइनली मैं आज का काम यहाँ फिनिश हो जाएगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड ग्रुप में भी सब्सक्राइब करें और एक बार मेरे लिंक्डइन पोस्ट जरूर विजिट करें, अगर आप 2022 ग्रेजुएट हैं तो, राइट। वहाँ पे आपको रेफरल लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने डिटेल्स अपना दे रखा है, बट प्लीज़ स्पैम ना करें, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।